जिसे मैंने राव और मां का अक्षर छिपा करके रखा, लेकिन मालूम नहीं है कौन से सीख के आया है। उसे समझा लो, हिरणा का शव कहने लगे तुम जाओ, हम अपने बेटा को समझा लेते। हिरणा का शव प्रहलाद को लेकर के रानी कयाधु के पास पहुंचे और कहा, सुनो ए मेरे ससुर का नाम ले रहा है, अगर ये मान जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं माने तो मेरा आदेश ये है कि इसे जहर घोल करके पिला दो। रानी कयाधु कहने लगी, महाराज ठीक है महाराज समझा लो। इधर हिरण्यकश्यप तो चला जाता है और रानी कयाधु समझाने लगी और कहने लगी, बेटा अरे बेटा तुम्हें नहीं बाला, अगर मैं तुम्हें जहर पिला दूंगी तो तुम मेरी गोदी से चले जाओगे, मेरी गोदी को तुम छोड़ करके चले जाओगे, और अगर मैंने पति की बात का उल्लंघन किया, पति की बात नहीं मानी तो मेरा पति गलत धर्म चला जाएगा। बेटा इसलिए तुम कदाप राम का नाम रख लो। प्रहलाद समझा करके कहने लगा, भैया तुमने कभी शीशे को देखा है? शीशा और शीशा को तुम देखो, वो कभी दर्पण को उठा करके देखो, वो शीशा अगर सूर्य के सामने कर दो तो सूर्य उस शीशा में नजर आते हैं, तुमने देखा है कभी? कहने लगी, बेटा बसाओ, और वो ही शीशा अगर चट्टान से मार दिया जाए, चट्टान से मार दो तो वो शीशा चकनाचूर हो जाता है। अरे भैया अभी तो हमारे पिता हिरण्यकश्यप को गर्व है, घमंड है, अहंकार है कि हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो मुझे मारने वाला कोई है नहीं। लेकिन भैया जिसे अहंकार है और जब जब अहंकार हुआ है तब तब प्रभु ने अवतार लिया है, अवश्य इस हिरण्यकश्यप हमारे पिता का अहंकार दूर होगा, लेकिन मैया मैं कदाप राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही इतनी बात सुनी, मैया ने कटोरी में जहर घोला और जहर घोल करके रख लिया। बेटा अगर तुमने बात मेरी नहीं मानी तो ये जहर का कटोरा रखा है, इसे तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। पहला कहने लगा कि मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कदाप राम का नाम छोड़ने में तैयार नहीं हूँ। इधर प्रहलाद को जहर का कटोरा दिया, प्रहलाद ने जहर का कटोरा पकड़ लिया और जैसे ही मुख से ले जा रहे थे जहर पीने के लिए, तब तक भोले बाबा आ जाते हैं और भोले बाबा ने अपने कंठ पे धारण कर लिया है। तभी से भोले बाबा का कंठ नीला नीला पड़ जाता है और प्रहलाद की रक्षा की है, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ है। भोले नील कंठ महाराज की, लेकिन भोले बाबा का नाम नील कंठ कब पड़ा था? जब समुद्र मंथन हुआ तब पड़ा था, लेकिन अभी तो नीला ही नीला कंठ पड़ा है। इधर जब प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ तब तक हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? इसे प्रहलाद को तुमने जहर नहीं पिलाया। रानी कहने लगी, महाराज मैंने इसे जहर तो पिलाया लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। रानी कहने लगी, महाराज अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये जहर का कटोरा पड़ा हुआ है, जरा अपने मंत्री को पिला करके देख। बोला मंत्री, जैसे ही जहर का कटोरा उठाया उसमें पानी डाला, घोल करके कहा, ए मंत्री महाराज महाराज क्या कर रहे हैं, लो इसमें जहर पी के देखो। राजा मोहम्मद में आवे ना प्यार हो, मैं
छोटे छोटे बच्चा है, अब ब्याह हो बेचारी का कहीं घर में बैठे, कोई बात नहीं पालन पोषण हम कर लेंगे। लोग पियो मैया भैया ये बोल दो तीन चल के दो चल के आवे महाराज मैंने देखो महाराज बच जाएगा दोनों के घर बच जाएगा। कोई बात नहीं ये लोग पी के इनको देखो महाराज ने आदत में कोई दिक्कत है रही है ये बता इसे पकड़ो तो सही महाराज करें तो बाबा कोई बहुत जल्दी करूंगा तू ना मिले बेटा मुझे ध्यान कर लिए महाराज। हाँ पहले तुम ठीक है देख लेने हम ज्यादा बात करता है भैया बर्बाद कर रहे हो कोई ना पी लो पर हम पी ले बाबा मेरी बहू है घरे गई नहीं है मैंने कहते महाराज से बाबू कह रहे हैं हमारा पीने के लिए ना पीने तुम पियो ही अम्मा तुम पियो ही हाय भैया अब शांति मिल गई अम्मा प्यार दे महाराज अम्मा प्यार दे दारू कितना देखो कितना मतलब संसार है बाबा आपे मैं हमारे लिए के लिए तेरे लड़के रख रहे हैं बट मेरी अम्मा ने तरु कह दी के लाला मैं प्यार हो मैं तो मर गई बड़ा महाराज पी लो की अम्मा घर चला रही आज चल Thank you.